सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ज्ञान विज्ञान की बातें करने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी हिसाब से काफ़ी एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने देखा कंपनी और स्टॉक की, तो हमारा एनालिसिस तो चल ही रहा है जिसमें हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और बाकी मेंबरशिप के कार्य चल ही रहे हैं। फिर भी मैंने साथ साथ देखा कि स्टॉक का हम चयन कर रहे हैं, स्टॉक के बारे एनालिसिस हो रहा है और उसे हम बकायदा सही रूप दे रहे हैं और वो कार्य सही रूप में चल रहा है। इसी के साथ साथ मैंने जहाँ तक है सेंसेक्स और निफ्टी का भी स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि क्यों ना वो भी बात आपसे मैं शेयर करूँ। तो वही बात और मन की लालसा बढ़ी कि आपसे कुछ और बातें दिन प्रतिदिन होता रहे और थोड़ी सी ज्ञान विज्ञान की बातें हो। तो यही मेरा कारण और यही बेसिक कारण से मैंने सोचा कि चलिए आपसे एक प्रतिदिन निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी बातचीत हो, जो ये प्रतिदिन का विषय बनेगा। और इसके साथ साथ कंपनी के एनालिसिस और कंपनी के बारे का जो बारे में मैं टारगेट देता हूँ, वो जो बातें हैं वो अलग रूप में होगा। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं अपने ट्रेडिंग रूम से ही आपको, जैसे मार्केट क्लोज होगा उसके बाद ही वीडियो बन जाएगा और वहाँ से आपको मैं अपने शब्द वहाँ से जारी रहेंगे। तो चलिए आज से हम, आज 11 नवंबर 2019 यानी 11/11/2019 हम ये देखने जा रहे हैं, और कुछ बातों का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, खास करके सेंसेक्स और निफ्टी का। तो चलिए आपका ध्यान विशेष हो। आज आपने सुबह से देखा होगा आज सेंसेक्स निफ्टी ने किस तरह से कहीं लोगों को कंफ्यूज भी रखा, और कुछ बेसिक बातें मैं पहले बताना चाहूँगा, फिर मैं आज के सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आता हूँ। पहले छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंडिया में सेंसेक्स जब कब स्टार्ट हुआ, निफ्टी कब स्टार्ट हुआ, ये क्या था, क्यों हुआ, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा, तब मैं अपने पॉइंट पर आऊँगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए इस बारे में सेंसेक्स निफ्टी का ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए जरा कहना अनिवार्य लगता है मुझे कि कहना चाहिए आपको। सेंसेक्स जो है ये पहली बार स्टार्ट हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो दिन था 1 जनवरी 1986 का, वेडनेसडे का वो दिन था जिस दिन पहली बार सेंसेक्स, जो बेस ईयर 1979 का 100 पॉइंट से स्टार्ट किया गया था, ये था सेंसेक्स की शुरुआत। सेंसेक्स का पूरा फुल फॉर्म वर्ड होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और 1986 से आज तक वो गतिमान है, वो तो आप ही देख ही रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ आपको पता होगा कि 92 में स्कैम्स हुआ जिसके कारण लोगों का विश्वास उठ गया स्टॉक एक्सचेंज से, सरकार के सामने बड़ी समस्या आ गई कि लोगों में खास करके फाइनेंशियल एरिया में बहुत नेगेटिव हो चुका था, और फाइनेंशियल एरिया जब बहुत नेगेटिव हो गया तो उन दिनों में FIs लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनका भी विश्वास हो कई जगह पे मार्केट में खो चुके थे, तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये तय किया गया कि देश के नाम से एक और एक्सचेंज शुरू किया जाए जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिससे कि लोगों का विश्वास हो, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसी कारण से नाम भी दिया गया, और ये एस्टेब्लिश हुआ 1992 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद ये कार्य बना कि अब इसको टेक्निकल रूप दिया जाए, क्योंकि हम उस ग्रेड पर आ जाएं जहां टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। तो ये चयन किया गया कि एक 50 कंपनी जो फाइनेंशियली वेल स्ट्रॉन्ग है, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, उसे तय किया जाए। तो ये तय किया गया 50 कंपनियों का, तो उसका चयन किया गया 1996 में, 1996 में, और नाम दिया गया निफ्टी। निफ्टी का ऐसे फुल फॉर्म है नेशनल 50, नेशनल 50 को ही शॉर्ट लेवल पे बनाया गया निफ्टी, और इसमें 50 कंपनियों का चयन किया गया जो फाइनेंशियली साउंड है और हर तरफ से वेल एडवांस कंपनी है, ये चयन किया गया था। और निफ्टी की शुरुआत बेसिकली शुरू हुआ 21 अप्रैल 1996 का वो दिन था, जबकि उसका पूर्ण रूप दिया गया 22 अप्रैल से, क्योंकि 21 अप्रैल का कार्य विषय ऐसा था कि उस दिन संडे था, दूसरे दिन शुरू किया गया 22 अप्रैल से,
और उसका बेसिक फाउंडेशन रखा गया था 1 अप्रैल 1996 में ही। ये सब कार्य उन दिनों में हुआ था। और 21st यानी मैं कह सकता हूँ 22nd अप्रैल से पूर्ण रूप से निफ्टी की शुरुआत हुई और आज हर तरफ से कारोबार बहुत तेजी में चल रहा है। चलिए ये मैं थोड़ी सी इतिहास की बातें किया हूँ, अब वर्तमान में हम आ जाते हैं। वर्तमान का विषय आज फिर से मैं दो शब्द जोड़ूंगा कि जैसे आपने सुबह से देखा है कि मार्केट सभी ट्रेडर्स को इन्वेस्टर्स को आज कंफ्यूजन स्टेट पे रखा गया। सुबह मार्केट डाउन था, हमने देखा 150 से लेके 125 पॉइंट डाउन था, फिर 100 पॉइंट डाउन रहा दोपहर के बाद भी, और लगातार मार्केट रेंज बाउंड भी रहा और वॉलेटाइल भी रहा। तो इससे ये जाहिर है, आप आज का सेंसेक्स का क्लोजिंग देखिए क्या है। आज का सेंसेक्स का क्लोजिंग है 40,345 और निफ्टी पे भी आप ध्यान दीजिए, निफ्टी है 11,913, ये आप देख ही रहे। आज का यही खास बात था। अब दोनों देखिए, 21 पॉइंट्स अप, वहां 5 पॉइंट्स अप। इसका अर्थ ये है कि यहां पर बाइंग तो हुआ है लास्ट मोमेंट में, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को मेंटेन करना चाहता है, बशर्ते कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में ग्लोबल शॉक्स न लगे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अधिकतर ग्लोबल शॉक्स ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे हम देखते हैं नज़दाक दो जोन्स, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो जाए, या सिंगापुर में कुछ नेगेटिव, तो उसका असर यहाँ ज़रूर पड़ता है। लेकिन मार्केट कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में ही मेंटेन रहेगा, जो मेरा अपना रिव्यू है। ये मैं देख रहा हूँ कि कल की तारीख में, कल तो बंद है, फिर परसों जब मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव ट्रेंड में ज़्यादातर होना चाहिए मार्केट की बात, और वो मेंटेन भी रहना चाहिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रहे, जब तक सेंसेक्स 40,700 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक सेंसेक्स एक रेंज बाउंड में ही चलेगा। जिस दिन सेंसेक्स ने 40,700 को पार कर दिया, मार्केट बुल किल एकदम पूर्ण रूप से बुलिश हो जाएगा, एकदम तेजी में आ जाएगा। 40,700 क्रॉस किया तो, नहीं तो यहाँ पर उसी तरह से बैक भी हो सकता है। तो ये रिव्यू है मेरा कि जिस स्टडीज, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो बाइंग सेलिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कॉल पुट चल रहा है, तो वहाँ पर भी कई जगह पोजीशन भी स्क्वायर अप किया गया है। तो सब तरफ से ये मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव ट्रेंड मुझे अभी दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। तो बस यही मुझे कहना था आज की तारीख में, और अगली बार ये मेरा पहला था जहाँ पे मैंने आज कह सकता हूँ कि आज एकेडमी में ही मैंने ये बातें कही हैं। अगली बार मैं अपने ट्रेडिंग रूम से भी बातें अपना जाहिर करूँगा, जो मैं इसी रूप स्वरूप में बातें करूँगा आपसे, और क्या कहूँ। बाकी जब कोई स्टॉक का एनालिसिस है या कंपनी की बातें हैं तो मैं अपनी एकेडमी में वो बातें करूँगा, जिस तरह से मैं हमेशा करता हूँ। और बाकी तो आप यहीं हैं हमारे साथ, काफ़ी आप मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं, मेंबरशिप ऑन है, और बाकी आपसे बातें होती रहेंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।